छत्तीसगढ़ के कोडा गांव जिले में नकली खाद बेचने वाले को पकड़ा गया है। ये लोग पिकअप वाहन में नकली खाद लेकर किसान को बेचने आए थे, लेकिन जागरूकता के चलते किसानों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और कृषि विभाग को सौंप दिया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए बड़ेकनेरा व गोहा बोरंड गांव पहुंचकर उस गोदाम को सील कर दिया जहां खाद रखी हुई थी। कोंडा गांव जिले के विकास खंड माकड़ी में कुछ युवकों के द्वारा 1150 रुपए में डीएपी खाद बताकर नकली खाद बेची गई। किसानों द्वारा उस खाद को इस्तेमाल करने के बाद पता चला कि वो खाद नकली है। किसानों ने खाद बेचने वाले को दोबारा खाद लाने को कहा, जिस पर खाद बेचने वाले पिकअप में खाद भरकर गांव पहुंचे, लेकिन इस बार गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। मौके पर पहुंची कृषि विभाग की टीम ने 40 बोरा नकली खाद व 40 बोतल लिक्विड जब्त किया है। वहीं पूछताछ के दौरान पता लगा कि ये खाद हरियाणा से लाकर बेची जा रही है, साथ ही ग्राम केरवाही के गोदाम में रखी जा रही थी। हमको सूचना मिली थी कि नकली खाद बेचा जा रहा है, तो हमने सबसे पहले बड़े कनेरा को ट्रैक किए। बड़े कनेरा में लगभग 54 बैग नकली डीएपी जब्त किए। उसके बाद सूचना मिला कि माकड़ी विकास खंड में भी नकली खाद का विक्रय किया जा रहा है, तो हम टीम बना करके मेरे साथ में शशिकांत नाग उर्वरक निरीक्षक साहब कृषि विकास अधिकारी कोंडागांव साथ में गए, तो वहाँ गुहापुरम ग्राम के अंतर्गत प्लाट पारा में 40 बैग नकली डीएपी जब्त किए और विधिवत रूप से उसको सुपुर्दगी में पंचायत को दिया गया है। तो उनके कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनका गोदाम केरवाही में है, तो साथ में प्रतिनिधि को लाए और गोदाम का निरीक्षण किए। निरीक्षण में 460 बैग नकली डीएपी को जब्त किए और विधिवत रूप से गोदाम मालिक को सुपुर्दगी में दिया गया। बता दें कि नकली खाद पकड़े जाने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से सतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।